सो हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी मैं लेक्चर से बाहर निकला हूँ एंड जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मैंने फाइनली आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद लिया है और वो भी जस्ट 90,000 इंडियन रुपीज़ में। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है गाइस, मैंने सच्ची में उतने में ख़रीदा है। मैं आपको प्रॉपरली इस वीडियो में आगे बताऊँगा कि कैसे मैंने ख़रीदा है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ क्या है कि मैंने ये जो मेरा आईफोन है वो क्लास के अंदर ही बुक किया है, क्योंकि मेरे को आईफोन कब से लेना था लेकिन मैं चेक करता जा रहा था साइट पे, उधर कभी मेरे को मिल ही नहीं रहा था आईफोन क्योंकि स्टॉक की बहुत अनअवेलेबिलिटी थी। तो अभी फाइनली मैं हर दिन चेक करता था, अभी आज क्लास में भी वही बैठ के चेक कर रहा था एप्पल की साइट में कि आया। मेरे को कलर चाहिए था आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम और 512 GB वाला ही, तो मैं वो चेक करते जा रहा था और फाइनली देखा क्लास के अंदर जब मेरा जावा का लेक्चर चल रहा था, वो प्रोफेसर उधर पढ़ा रहा है और मैं बैठ के मेरे लैपटॉप में देख रहा हूँ कि मेरे को फाइनली वो स्टॉक में अवेलेबल हुआ। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट मैंने दोस्त को बोला कि मैं बुक करूँ क्या, तो बोली हाँ कर। फाइनली मैंने जल्दी नेक्स्ट करके मेरा कार्ड की डिटेल्स में पूरा कार्ड मैंने लिटरली मेरे बैग से निकाला, उसका फ़ोटो लिया फ़ोन में और फिर जाके सब फिलअप किया और फाइनली मैंने प्लेस ऑर्डर किया और फाइनली वो बुकड हो गया। तो अभी आप देखो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसके अंदर मैंने बुकिंग की है और आपको दिख भी रहा वो ऊपर के टैब्स में कि मेरा वो CSMB का जो मेरा यूनिवर्सिटी का कैनवास का पोर्टल खुला हुआ है। और तभी मैं साइट के पोर्टल में एक अलग टैब पे एप्पल का बुकिंग किया, तब जाके वो देखो। ओके गाइस, सो ये रही वो वेबसाइट और ये वही टाइम है जब मेरा लेक्चर चल रहा था और मैंने जब देखा तो मुझे अवेलेबिलिटी मिल गई आईफोन 15 प्रो मैक्स की। तो फटाक से देखो इसमें भी आ रहा है कि आई विल पिक इट अप। उसमें मैंने मेरा फ़ोन नंबर डाला और उसको मैंने ब्लर किया है ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। उसके बाद आता है कि हाउ डू यू गोना मेक द पेमेंट, तो वो मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड से किया था। अब क्रेडिट कार्ड मेरे बैग में था तो बस मैं स्क्रॉल करते जा रहा था, मैं सोच रहा था कि बैग से निकालूं कैसे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई निकालना ही पड़ेगा। और वैसे के वैसे उसी टाइम पे मैं मेरे बैग को खोला, उसमें से मेरे कार्ड को निकाला और वो कार्ड का पिक मैंने मेरे फ़ोन में लिया। और फ़ोन में लेने के बाद जाके उस फ़ोन में मैंने उस पिक को देखा और पूरी मेरी डिटेल्स को फिलअप किया। आफ्टर फिलिंग अप द डिटेल्स देखो रेडी है पिकअप के लिए, मैंने सारी मेरी डिटेल्स को रीचेक किया कि सब सही है पिकअप एंड आई जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड हियर वी गो, नाइसली डन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे मैंने मेरी एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स 512 GB को ऑर्डर किया था क्लास में बैठे बैठे। इट वॉज़ अ क्रेजी एक्सपीरियंस गाइस। जैसे कि आपने देखा उस वीडियो में कैसे मैंने मेरी आईफोन 15 प्रो को बुक किया। अभी लेक्चर होने के बाद हम लोग आए हैं इधर गेमिंग रूम में, जिसके आप देख सकते हो ये मेरा गेमिंग रूम है, यूनिवर्सिटी का ही है। देखो इधर दिख रहा है गेम रूम। सो इधर हम लोग पूल खेलेंगे, थोड़ा मोमेंट को इन्जॉय करेंगे। आईफोन खरीदा है भाई ने, टाइम अभी हुआ है 4:30, मेरा लेक्चर 6 बजे का है, अभी बस इधर ही टाइम पास करना है। और मैं तो यार वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कब मैं जाके आईफोन को लूँ और अनबॉक्स करूँ। ठीक है, तब के लिए अब नेक्स्ट आप देखोगे कि कैसे मेरे को डिस्काउंट मिला, उसकी आपको मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहना। हाँ तो गाइस, अभी ही मैं मेरे लेक्चर सब कंप्लीट करके खा के घर पे आया हूँ, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मुझे iPhone 15 Pro Max सिर्फ और सिर्फ 90,000 का मिला, जो कि इन इंडिया द रियल प्राइस ऑफ iPhone 15 Pro Max 512 GB इज़ 1,80,000। तो देखिए इधर, तो कैलकुलेटर में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितने में पहले तो iPhone 15 Pro Max 512 GB US में पड़ा, तो मुझे वो पड़ा $1,530 इंक्लूडिंग टैक्स, सही है। अब मैंने इसको इंटू करना है 85, क्योंकि एक्सचेंज रेट 85 का है, तो अगर देखने जाए हम लोग तो 1,30,000 का मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स पड़ा। और देखने जाए तो अभी से ही 50,000 का फ़र्क आ रहा है अमेरिका और इंडिया के प्राइसेस में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मुझे और 40,000 का फ़ायदा हुआ। तो देखो गाइस, ये एप्पल की साइट है जिधर मैं देखता हूँ 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम, जो मैं मॉडल ले रहा हूँ वही बता रहा हूँ मैं, 512 GB। और हाँ, अभी इधर मेन चीज़ है कि मेरे पास अभी आईफोन 13 मैंने इंडिया का पड़ा है, तो अभी जब मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स लूँगा तो मेरे को आईफोन 13 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं अगर एप्पल से ट्रेड इन करता, रुको अभी भी वो ये जुगाड़ नहीं है वो, एप्पल से अगर मैं ट्रेड इन करता तो मैं देखता हूँ इधर मेरा आईफोन 13, तो यस, तो आप देख सकते इधर मेरे को $370 उस पर मिल रहा है। तो अभी अगर हम लोग कैलकुलेटर में जाए
और इधर चेक करें कि 370 इंटू 85, तो आप देख सकते हैं मेरे को 31,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को 90,000 में पड़ा, तो मेरे को 40,000 मिले इस फ़ोन के, वो भी अमेरिका में रहते हुए। तो क्या है ना गाइस, के जब मैं इंडिया में था तो इंडिया में तो क्या था, OLX करके एक ऐप था, तो उसमें मैं सब चीज़ें, मेरे फ़ोन से या कुछ भी टीवी है उसे मैं बेचता था। लेकिन इधर तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिधर मैं बेच सकूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। और मेरी यूनिवर्सिटी जो है, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक ऐप है जो कि एक माई ड्राफ्ट करके ऐप है, उधर सिर्फ यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो उधर मैंने ट्राई किया कि ऐसे भी 370 को मिल रहा था, तो मैंने ट्राई किया क्यों ना, क्योंकि आईफोन है, सबको ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उस ऐप के अंदर एक बाई सेल का ऑप्शन आता है, तो उधर मैंने मेरी फ़ोन के थोड़े पिक्स लिए और मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा और लिख दिया कि मेरे को इस फ़ोन को $500 में बेचना है, और मैंने उसको पब्लिश कर दिया। तो हुआ ये कि जैसे ही मैंने वो ऐड को पब्लिश किया, विद इन जस्ट 15 मिनट्स आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम अ गर्ल एंड शी नीडेड दिस आईफोन। उसने मेरे को 400 बोला, तो मैंने बोला कि 400 में तो मेरे को एप्पल पे ही मिल रहा है, तो उसे लास्ट में हम लोग की डील पक्की हुई फॉर $450। सो अभी $450 अगर देखने जाए, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 370 से $450 गाइस, तो $80 का पूरा फ़र्क आ रहा है। सो $450 इंटू मैं करूँगा 85, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को 38,200 का ये मिल रहा है आईफोन का प्राइस, जो कि उस पर 31,000 था। तो अभी अगर प्रॉपरली हम लोग कैलकुलेट करने जाए तो 1528 माइनस $450 मेरा आईफोन के, तो वो पड़ रहा है 1078 इंटू $85, तो मेरे को पड़ रहा है 91,000 का, ठीक है। और उसके अंदर भी और मेरे को कम पड़ा, जो कि है -$100, क्योंकि क्या है ना गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक डिस्कवर का क्रेडिट कार्ड लिया था, और वो मैंने मेरे फ्रेंड से रेफरल लिया था। तो जब फ्रेंड से रेफरल लेते हैं तो वो डिस्कवर का कार्ड जो है हम लोग को $100 फ्री में देता है। तो देख सकते हैं आपके 91,600 ये अपना हुआ है एस्टिमेट। अभी इसमें से $100 इंटू 85, तो देखने जाए, सॉरी 1,000 हो गया, $100 इंटू 85, तो जैसे देख सकते 8,500 माइनस में करूँगा 91,000 जो मेरे को पड़ रहा था। तो अगर देखने जाए तो ओवरऑल मेरे को मेरा आईफोन सिर्फ 82,500 रुपीज़ में पड़ा, जो कि इंडिया में उसका प्राइस है 1,80,000। तो नियरली 1,00,000 का फ़ायदा हो गया मुझे इन US आफ्टर बाइंग द आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो अभी कल जाऊँगा मैं और आईफोन खरीदे के उधर जाऊँगा, एप्पल स्टोर में ही मेरा पिकअप है, तो उधर जाके आप देख लेना कैसे मैं मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स को वहाँ से पिकअप करता हूँ। और मोस्टली या तो स्टोर में तो नहीं करूँगा मैं अनबॉक्सिंग, घर पे आके प्रॉपरली उसको अनबॉक्स करेंगे। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया, आज मैं लेने जा रहा हूँ मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स। अभी उठा, नहाया धोया, शेव भी कर लिया पूरा, कि प्रॉपरली मेरे को फ़ोन लेना है गाइस। सो बस अभी एक्साइटेड उसके लिए। अभी 9:30 हुआ है, हम लोग आधे घंटे में निकलेंगे, 10 बजे तक निकलेंगे, और हम लोग जा रहे हैं डेल मॉन्टे, एप्पल स्टोर डेल मॉन्टे में, तो वहाँ से हम लोग पिकअप करने वाले हैं। और वो जैसे नज़दीक ही है, मतलब 15 मिनट ही दूर है, तो वही अभी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ पहले तो, और फिर निकलते हैं। और हाँ गाइस, मेरे को पता है रूम टूर आया नहीं, तो मैं आपको ऐसे अभी रूम टूर दे रहा हूँ मेरा इसी वीडियो के अंदर। तो देखो अभी बहुत सब मैस है, ये मेरा किचन और सब है, ये मेरा पूरा लिविंग एरिया है, और देखो बाहर का, और मैं जिधर रह रहा हूँ वो प्रोमोंट्री, जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा होगा। और मेरा जो फ्लोर है वो 3rd फ्लोर पे है गाइस, आपको मेरा रूम भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैस है गाइस। सो देखो गाइस, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड, ये मेरा टेबल, और ये मेरे दोस्त का बेड। अगर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ, पहाड़ कैसे लगते हैं, और ये पूरा एरिया है। और अच्छी बात क्या है कि मैंने नाम भी लिखा है देखो रूममेट्स के साथ, इब्राहिम यूसुफ और मेरे सारे रूममेट्स। तो बस अभी चाय बनाते हैं,
चाय भी नहीं गाइस, मैं कॉफ़ी बनाऊंगा, कॉफ़ी पी के फिर निकलते हैं। सो गाइस बस आ गए नीचे, जाएंगे कार में। ए किधर जाना यश? लेफ्ट लेफ्ट। और बस अभी कुछ घंटे या कुछ मिनट बचे हैं आईफोन अपने हाथ में आने के लिए। देखो अभी पूरा सन ही हो रहा है, सन देखो सर, अभी इतनी ठंड नहीं लग रही आज, क्या बात, आज बहुत गर्मी लग रही है। देखो इस टाइम पे तो पूरा फॉगी फॉगी होते। देखो ये मेल रूम है, इधर से सारे मेरे मेल जो भी आते हैं ना, कार्ड वार्ड सब इधर आते हैं। देखो मून अभी भी दिख रहा है। मस्त लग रहा है लेकिन इधर पे निकल रहे गाइस, वो राय के उसकी गाड़ी है ये। देखो ये अपना बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, इधर रहता हूँ मैं, फिर उधर बिल्डिंग बी, फिर इसके पीछे बिल्डिंग सी। हाँ तो भाई अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, चुके हैं डेल मोंटे शॉपिंग सेंटर एरिया में। और ये रहा गाइस एप्पल स्टोर इज देयर, बस कुछ पल दूर है हम लोग आईफोन से भी। आईफोन 15 प्रो मैक्स, देखा खुशी देख रहे हो कितने एक्साइटेड हूँ मैं। चलो अंदर जाते हैं और पिकअप करते हैं फोन को। सो दिस इज माय आईफोन 15 प्रो मैक्स। As you can see, I'm right now in Apple. So, what's your name? I'm Kelly. Kelly, yeah, nice to meet you, Kelly. Nice to meet you. So, right now I'm in the Apple store and finally, phone is here. I'm gonna scan it in. Yes, sure. It's a 15 Pro Max, 512 GB. देख सकते हो गाइस इसके अम्मा सो रहे हैं, natural titanium. Was it good? Okay, so, हाँ गाइस, बहुत लेट हो गया। जैसे मैं एप्पल स्टोर से आया, पिकअप किया और फिर हम लोग गाड़ी में आ गए और 11:45 AM हो चुका था। तो फिर डायरेक्ट हम लोग, मैंने फ़ोन को मेरे घर पे रखा और डायरेक्ट भागा मैं लेक्चर के लिए। तो दो लेक्चर थे गाइस मेरे, फिर 4 बजे मेरी शिफ्ट थी, मेरी 4 से लेकर 9 तक शिफ्ट थी। तो कुछ हो ही नहीं पाया आईफोन का अनबॉक्सिंग। तो अभी फाइनली गाइस, फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ। आप मेरी शक्ल से देख सकते हो बहुत थका हुआ था, शिफ्ट में बहुत काम कराया ये लोग ने, लेकिन फाइनली ये रहा अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स। और अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। ओके सो लेट्स जस्ट गेट रेडी फॉर द अनबॉक्सिंग गाइस। ओके गाइस, सो फाइनली आ गया घर पे, लेट्स नाउ अनबॉक्स द आईफोन 15 प्रो मैक्स। निकालते हैं इसके अंदर से। वो गाइस ये रहा, आपको सही से दिखाता हूँ मैं। देखो आईफोन 15 प्रो मैक्स और इसमें इसका वेरियंट भी लिखा है। देखो 512 GB दिख रहे हैं, तभी देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ 15 प्रो मैक्स। एक गया एंड ये और एक गया, अभी मेरी मजा आएगा गाइस। इधर देखो 3, 2, ओह माय गुडनेस, ये फर्स्ट रिएक्शन है गाइस, क्या फोन लग रहा है यार। अरे रे रे, मजा आ गई गाइस। Shit, damn guys, देखो अभी सबसे मज़ा इसमें आता है, सबसे मज़ा। 3, 2, 1, आहा, आवाज़ देखा गाइस। ओ डैम क्या फ़ोन लग रहा है गाइस। मैं पहले मेरा आईफोन 13 था, अभी 13 से सीधा 15 प्रो मैक्स में, तो उसे साइज भी उसकी बड़ी हो गई और एकदम प्रीमियम लग रहा है। और ये टाइटेनियम की बिल्ड देख सकते हो आप, और सबसे मेन चीज़ इधर टाइप सी है और ये पूरा टाइटेनियम है गाइस, टाइटेनियम का ग्रेड 5। लेकिन सर एकदम प्रीमियम लग रहा है गाइस हाथ में पकड़ने से। और लुक एट दिस कलर यार, ये यही कलर चाहिए था, इसलिए मैं कब का वेट कर रहा था और जैसे ही मेरे को मिला मैंने बुकिंग कर दी इसकी। देखो गाइस क्या मस्त लगा इस। और इस बार 3 कैमरे, 2 कैमरे अभी ख़त्म, अभी 3 कैमरे आईफोन के। और गाइस और मैं आपको कंटेंट दिखा दूँ, इसको रखता हूँ साइड पर, बहुत आराम से रखना पड़ेगा, बहुत डर लग रहा है। हाँ और इस बार ये भी एक नई चीज़ है कि इस बार आईफोन ने ब्रेडेड केबल दी है। और देखो गाइस सबसे मेन चीज़ टाइप सी टू टाइप सी है, अभी लाइटनिंग पोर्ट का खेल ख़त्म, अभी ओनली टाइप सी टू टाइप सी, मस्त ब्रेडेड केबल है, क्वालिटी अच्छी है। और दूसरा सब चीज़ें तो वही है गाइस, वही एप्पल के स्टिकर आएंगे इसके अंदर, वही एक एप्पल का स्टिकर आता है और तो कुछ गद्दे में है ही नहीं।
तभी के लिए वायर बंद ही रखता हूँ क्योंकि बैटरी तो मोस्टली तो होगी। अब गाइस बूट अप करते हैं इसको, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नाउ लेट्स बूट इट अप, 3, 2, 1। भाई साहब यार डायनामिक आइलैंड इस बार। ओह देखो गाइस एप्पल का लोगो आ गया फाइनली, खुलेगा। मेरे को इसका स्क्रीन देखनी है बस, क्या स्क्रीन लगेगी, बहुत मस्त लग रहा है यार। ओ माय गुडनेस गाइस देखो आ गया आईफोन का हेलो, बस देखना है कि नमस्ते आता है कि नहीं आता है, नमस्ते देखना है। अमेरिका में ऐसे नमस्ते तो देखते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा है सब, जापानीज नहीं चाहिए। कल हाँ और कल मेरे जापानीज का साला असाइनमेंट भी है तो वो अभी तक चालू भी नहीं किया मैंने पढ़ना। नमस्ते आ जा फिर शुरुआत करेंगे। होला स्पेनिश में भी आ गया गाइस, बॉन्जोर। नहीं नहीं अपने को इंडिया का, अरे किधर गया ना, नमस्ते चाहिए। अरे छोड़ो गाइस नमस्ते आने नहीं वाला है, मेरे को लगता नहीं आएगा नमस्ते। हेलो, अरे यार क्या यार, ओला क्या प्रीमियम लग रहा है गाइस। इसके बेजल्स देखो कितनी कम हो गई इस बार, पहले के हिसाब से बहुत कम हो गई है बेजल्स। क्या यार ये कौन सी भाषा आ रही है सब। अरे वो पूरा बंद हो गया, छोड़ो अब इसको बूट अप करते, ऊपर करते स्वाइप अप, और अभी इसको सेटअप करता हूँ गाइस। सो ठीक है, ये थी मेरी आईफोन की अनबॉक्सिंग, तो बस यही गाइस। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जल्दी मैं एक नया वीडियो लाऊंगा। तो बस आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बताओ कि देखो कैसे मैंने ये आईफोन ख़रीदा। और गाइस ये आईफोन मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है, सो वो भी एक बात है, वो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और दूसरी बात गाइस से बस यही है, आईफोन ले लिया अभी इसके मैं अभी बहुत देखूँ अभी तो आराम से, मैं फ़ोन का कीड़ा हूँ पूरा टाइम, मैं फ़ोन में घुसा रहूँगा अभी आईफोन के, ये आईफोन को देखूँगा। तो बस थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो अब तक के लिए बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।